हे वो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह की फोटो रिटच कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से। गाइस, ठीक है। तो गाइस, जो इसकी फोटो दिख रही काफ़ी क्लासिक फोटो बन रही है, ठीक है, जिसमें जो कलर टोन दिख रहा है ब्राउन और एक्वा, उससे फोटो काफ़ी यार कमाल की दिख रही है, ठीक है। तो गाइज, इस तरह की फोटो अगर आप खुद की एडिट करना चाहते हो तो गाइज आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है। एंड में दिखा दूँ ये फोटो पहले कैसी थी। सो गाइज, आप स्क्रीन में देख सकते हो फोटो पहले ऐसी थी, एंड लाइटरूम एप्लीकेशन में एडिट करने के बाद ये फोटो बन चुकी है ऐसी। तो गाइज़, इस तरह की फोटो एडिट करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे आप इस तरह की फोटो अपनी खुद की एडिट कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए गाइज, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। सो या गाइज, विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, सो गाइज, सबसे पहले वो लाइट रूम की एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में लाइट रूम की एप्लीकेशन नहीं है, प्ले स्टोर से सबसे पहले लाइट रूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एंड उसके बाद अपनी फोटो को लाइट रूम की एप्लीकेशन अंदर इंपोर्ट करना है। तो गाइज, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है एडिट करने के लिए, गाइज जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, ठीक है। एंड फोटो इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ऑटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फोटो में जो कलर होंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। एंड गाइज, नीचे वाले ऑप्शन में जो नीचे वो कलर का ऑप्शन मेरे क्लिक करना है इस पर, एंड यहाँ से आपको वाइब्रेंस थोड़ी सी बढ़ानी, जिससे वाइब्रेंस बढ़ा दीजिए थोड़ी सी गाइज, ठीक है, जिससे कलर थोड़ा डार्क हो जाए। तो वाइब्रेंस में थोड़ी सी बढ़ा दी गाइज, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आपको मिक्स वाले ऑप्शन पे, ऊपर मिक्स पे जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ से जो सेकंड कलर दिख रहा है ऑरेंज, क्लिक करना है, ठीक है, इस पर। एंड इसका सैचुरेशन माइनस करना है, सैचुरेशन जैसे माइनस करूँगा फेस थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। जो रेड रेड फेस थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करूँगा, ठीक है। एंड लूम इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो वैसे अब देखिए फेस में ब्राइट हो चुका है। एंड उसके बाद आपको जाना है सिंपली इस येल्लो कलर पर जाना, ठीक है। इसका ह्यू एकदम -100 करना, ठीक है। एंड सैचुरेशन +100 का, ठीक है। एंड ग्रीन कलर पर जाना है, इसको ग्रीन पे जाओगे, इसका भी सेम करना है, ह्यू एकदम -100 एंड सैचुरेशन +100। इतना करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे जाना है डार्क ब्लू पे, एंड इसका ह्यू एकदम -100 कर लेना है, ऐसे एंड सैचुरेशन को पूरा +100 कर लेना है। इतना करने के बाद डन पे क्लिक करना ऊपर गाइज, एंड डन पे जैसे क्लिक करोगे, ऐसे के उसके बाद आपको क्या करना है, इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एक स्टेप और है, ठीक है, वो बताऊँगा। तो सबसे पहले फोटो को सेव कर लेंगे यहाँ पे गैस, ठीक है। इस शेयर वाले ऑप्शन क्लिक कर लेगा मैंने, एंड सेव टू डिवाइस, ये फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। गैलरी में सेव करने के बाद इस फोटो को आपको लाइट रूम की एप्लीकेशन के अंदर से डिलीट करना है, ठीक है। 3 पे क्लिक कर लीजिए, एंड यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये फोटो आपकी लाइट रूम की एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो फोटो डिलीट कर दीजिए इस एप्लीकेशन के अंदर से, एंड आपको फिर से इस फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा इस, तो गाइज ये रही फोटो हमारी, ठीक है। फोटो सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये मैंने फोटो यहाँ पे ले ली गैस, ऐड कर लिया। तो गैस, यहाँ पर इसके देख सकते हो फोटो हमने दोबारा से ले ली, तो फोटो दोबारा से ले लीजिए गैस। एंड उसके बाद ये आपको एक लाइट रूम का प्री सेट चाहिए, ठीक है। तो गैस, यहाँ पे दिखा दूँ कौन सा प्री सेट है, तो ये रहा ब्राउन एंड एक्वा गैस, ठीक है। तो गैस, ये देखिए ब्राउन एंड एक्वा, इस प्री सेट को भी इम्पोर्ट करना है गैस, ठीक है। तो गैस, ये इम्पोर्ट कर लीजिए मैंने प्री सेट को, फिर आपको इस प्री सेट को अपनी फोटो में पेस्ट करना है। तो यहाँ पर प्री सेट की मैं सेटिंग कॉपी कर लूँगा, 3 पर क्लिक कर लिया मैंने गैस, यहाँ पर कॉपी सेटिंग टिक पे क्लिक कर लिया गया, ठीक है। बैक पे जाता हूँ, एंड उसके बाद आपको फोटो लेनी है जो हमने एडिट करी थी पहले, एंड 3 डॉट पे क्लिक करना आपको गाइस, एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग। एंड गाइस, अब देखिए फोटो में यार ब्राउन एंड एक्वा लुक आ चुका है, एंड ब्राउन वो काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, ठीक है। गाइज, अगर आप इस प्री सेट को डायरेक्टली ट्राई करोगे, यानी गाइज जो मैंने सेटिंग बताई वो सेटिंग नहीं ट्राई करोगे, बल्कि इस प्री सेट को सीधा ट्राई कर लोगे अपनी फोटो में, तो गाइज आपकी फोटो इस तरह की नहीं बनेगी, ठीक है। तो गाइज, जो मैंने आपको स्टेप बताया उसको फॉलो करना है, उसी के बाद आपकी फोटो इस तरह की एडिट हो जाएगी। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो उसमें लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ठीक है। लिंक है बिलो डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेकआउट। सो मिलता हूँ अगली एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून विद निक टेक्निकल।